बैक टू माई चैनल, माई नेम इज श्रुति। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। सो यहाँ पे आज मैं अपने वीडियो में शेयर करूँगी ये वाला मेकअप लुक, और ये वाला मेकअप लुक मैं अपना जो ये वाला वेलवेटी जो सूट है जो मैंने मीशो से लिया है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट किया है। तो ये वाला जो मेकअप लुक है वो मैंने अभी जो न्यूली ब्राइड्स है, अगर आप अपने कोई छोटे मोटे फंक्शंस में जा रहे हो, आपको नहीं पता है कि कौन सा मेकअप करें, तो आप ये वाला लुक ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा बट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा गाइस। सो अगर आपको ये लुक क्रिएट करना है तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा ताकि आपको पता चलेगा मैंने स्टेप बाय स्टेप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाली मेरी न्यू वीडियोज़ के बारे में जल्दी पता चल जाए। और ये वाला लुक ऐसा नहीं है कि न्यूली ब्राइड्स ही कर सकती, कोई भी कर सकते हो। आपको अगर कोई छोटे मोटे फंक्शंस में जाना तो भी आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो। सो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्टली मैंने यहाँ पे क्लींजिंग कर लिया है। सो अभी क्लींजिंग हो गई है तो अभी बारी है टोनिंग की, और टोनिंग के लिए मैं रोज़ वाटर ले रही हूँ। ये द लव को का ऑर्गेनिक लग्जरी का विटामिन सी वाला टोनर है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रिफ्रेशिंग है और मेरा फेस एकदम फ्रेश हो जाता है जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ। तो सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, ये शुगर पॉप का मॉइस्चराइज़र है। और मेरी स्किन ऑयली है ना तो मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करना प्रीफर करती हूँ, क्योंकि ये एक है ना जेल कंसिस्टेंसी में आता है। और ये बहुत ही जल्दी मेरे स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। सो मुझे इसका मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा लगा है। मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने फटाफट से लिप बाम लगा दिया है ऑफ कैमरा। सो अभी मॉइस्चराइज़र लगा दिया है, सो हम अभी नेक्स्ट मेकअप की तरफ बढ़ेंगे। प्राइमर के लिए मैं यूज़ करूँगी ये इबा कॉस्मेटिक का। ये वाला प्राइमर भी काफ़ी अच्छा है, ये एकदम स्मूथली स्किन पर ग्लाइड हो जाता है। प्राइमर का काम भी हो गया है। तो आप देख सकते हो मेरी अंडर आइज में कोई इतना खास डार्क सर्कल्स नहीं, एकदम लाइट है। फिर भी मैं है ना पीच करेक्टर यूज़ करूँगी ताकि मेरा जो स्किन टोन है वो इवन दिखे, और मेरे जो डार्क स्पॉट्स है उधर भी मैं थोड़ा सा पीच करेक्टर यूज़ करूँगी। करेक्शन हो गया है, नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट ब्लू हेवन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, और ये वाला स्किन टिंट हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। अगर आप अपने डेली बेसिस पे हैवी फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहते हो आप, तो ये फिर एकदम लाइट वेट और एकदम मतलब स्किन टिंट वाला फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। वो ही काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक देता है और एकदम ही लाइट वेट लगता है, ज़्यादा है ना हैवी हैवी नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, कुछ 1.5 पम्प के आसपास लिया है। सो यहाँ पे फर्स्ट मैं वॉर्म कर देती हूँ फिंगर की हेल्प से। जो स्किन टिंट हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है ना बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। सो ब्लेंडिंग इज़ द की फॉर बेस्ट मेकअप। अगर आप अच्छा ब्लेंडिंग करोगे तो फेस का जो बेस फ्लॉलेस होगा, केकी नहीं होने वाला है।
सो अंडर आई पे करेक्शन तो हो गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा अंडर आई एरिया पे है ना हाइलाइटिंग देने के लिए मैं स्विस ब्यूटी का सैंड सेबल शेड में कंसीलर यूज़ करूँगी, एकदम थोड़ा सा इनर कॉर्नर में और थोड़ा सा आउटर कॉर्नर में। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। और ये वाला जो शेड है ना ये वाइन कलर का शेड है, मुझे इसका मतलब शेड नाम नहीं पता है बट मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। चबी सा दिख रहा है उसको मैं एक अच्छा सा कट दे दूंगी कॉन्टोरिंग करके, थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं एकदम थोड़ा सा। सारे क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए हैं, ब्लश, कॉन्टोरिंग, कंसीलर, फाउंडेशन, बहुत सारे। सो यहाँ पे ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद हमें अपने बेस को सेट करना होता है। सो यहाँ पे मास्क का लूज पाउडर से अपने बेस को सेट कर दूंगी और मैं ये ट्रायंगुलर जो ब्लेंडर है उससे ही सेट करूँगी क्योंकि ये बहुत ईजीली अंडर आई में जला जाता है और बहुत कन्वीनियंटली है ना लगाने में ईजी। सो यहाँ पे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड रेड कलर यूज कर रही हूँ एकदम लाइट हैंड से। पे जो ये पिच शेड है वो लगाऊंगी आउटर कॉर्नर में। सो नेक्स्ट मैं जो इनर कॉर्नर्स में ना मैं ग्लिटर लगाने का सोच रही हूँ तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लूज फॉइल पिगमेंट्स, ये गोल्डन शेड का है। सो मैं अपने फिंगर के हेल्प से है ना ऐसे लूज पिगमेंट्स लगाना पसंद करती हूँ, आप देख सकते हो क्या मतलब सही लुक आ रहा है। बस थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। अभी हम पूरा लूज पाउडर डस्ट ऑफ कर लेंगे अच्छे से और जो भी फॉइल पिगमेंट गिरे होंगे वो भी निकल जाएंगे। सो ये एक ट्रिक है गाइस, अगर है ना आप ऐसे लूज पिगमेंट्स यूज कर रहे हो अपने आई शेडोज के लिए तो है ना आप पहले लूज पाउडर अच्छे से लगा लीजिए। इससे क्या होगा ना
जो भी फॉल आउट होगा वो निकल जाएगा। सो यहाँ पे मैं सेम आई शेडो अपनी लोअर लैश के लिए भी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑफ कैमरा आईलाइनर कर दिया। तो यहाँ पे मैं ये मिस क्लेयर की आईब्रो पैलेट ले रही हूँ और जो गैप्स है उसको मैं फिल कर दूंगी। यहाँ पे मैं अपना आईब्रो कंप्लीट कर लूँगी मस्कारा लगा के, और मैं मस्कारा ही लगा रही हूँ, मैं कोई फॉल्स आईलैशेस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आईज़ को और ड्रामेटिक बनाऊँ। सो इसीलिए मैं मस्कारा से ही अपने आईलैशेस को एक अच्छा सा वॉल्यूम दे दूँगी ताकि वो अच्छा लगे। यहाँ पे मैं लैशेस को थोड़ा ही कर्ल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मार्स का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और ये वाला मस्कारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से वॉल्यूम देता है आपके लैशेस को अगर आप फॉल्स लैशेस नहीं लगाना चाहते हो तो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं जो ये मस्कारा है लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी। यहाँ पे मैं काजल लगा रही हूँ थोड़ा सा आउटर व्यू में। मैं मेकअप रेवोल्यूशन का कॉन्टोर यूज कर रही हूँ। अच्छा लगता है, आपको हाइलाइटर लगाने की है ना ज़रूरत ही नहीं है। यू गाइस कैन सी, मतलब एक नेचुरल ग्लो आपके फेस पे ये देता है। ये जो फेसेस कनाडा का हाइलाइटर है जो मैं एक बार आपको स्वॉच दिखाती हूँ, अब वन स्वॉच में आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो दे रहा है। सो मुझे ये लगाने की बहुत इच्छा है इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ। आप देख सकते हो क्या मस्त ग्लोई लुक दे रहा है ये। ब्राउन को भी थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी, थोड़ा सा मैं सोचू इनर कॉर्नर भी लगा देती हूँ थोड़ा सा। ये जो इनर कॉर्नर्स में हम हाइलाइटर लगाते हैं ना, इससे है ना आईज एकदम पॉप आउट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है। सो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ मैं लिप्स के लिए ज़्यादा नहीं करूँगी। यहाँ मैं मिस क्लेयर की लिप लाइनर ले लूँ। तो यहाँ पर मैं ये रहने की फाइन वन लिपस्टिक ले रही हूँ और इसमें जो बेसिक सा कलर है वो मैं इनर कॉर्नर में लगाऊंगी। सो आप देख सकते हो कितना प्रीटी सा कलर निकल के आया है। आउटर कॉर्नर में मैंने डार्क कर दिया है और मैंने इनर कॉर्नर में एकदम लाइट बेसिक कलर दिया है ताकि ये ऑम्ब्रे लुक दे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे मैं मेकअप प्रेप एंड प्राइम मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ।
मेकअप फिक्सर तो आपको लगाना है, क्योंकि अगर आप मेकअप फिक्सर नहीं लगाओगे तो फिर आपका है ना मेकअप सेट नहीं होगा और फिर उसके मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। सो यहाँ पे मेकअप फिक्सर के बाद मुझे ना स्पंज से एक बार ऐसी लाइट हैंड से है ना घुमाना अच्छा लगता है, ताकि जो भी एक्सेस रहेगा पाउडर या फिर क्रीम वो सब निकल आ जाएगा और हमें एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा फिनिश मिल जाएगा। सो ये स्टेप मुझे करना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। सो अभी मैं फटाफट से ज्वेलरी वुलरी पहन के वापस आती हूँ। अच्छा लगा, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था मैं ये वाला लुक क्रिएट करूँगी, ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं ये वाला आई लुक करूँगी, ऐसा कुछ करूँगी, बस मैं करती गई और मैंने किया तो ये वाला लुक टर्न आउट हुआ है। सो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो और या फिर आपको मज़ा आया हो वीडियो देख के, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर ये वीडियो किसी ऐसे को भेजना है जिसको मेकअप करना नहीं आता है और वो न्यूली ब्राइड है उसको मेकअप करना है, तो आप ये वीडियो उनको भी सेंड कर सकते हो, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी और मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगा। सो अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय।